सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। सो कैसे हो आप लोग? होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो जैसे कि गाइज, आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं वैलेंटाइन डे इवेंट के बारे में और उसके पूरे फुल डिटेल्स आप लोगों को बताने वाले हैं। और उसमें आप लोगों को जो जो रिवॉर्ड देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि प्रपोज वाला इमोट है और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज, वो रिवॉर्ड आप लोग कैसे करके क्लेम कर सकते हो, पूरी डिटेल्स में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। और इसमें ऐसे ही अपकमिंग अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में वीडियोस आते रहते हैं। तो अभी तक जिस भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके राइट में होने वाले बेल आइकन को टैप करके ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और वैलेंटाइन डे इवेंट आए और हमें एक पेट का स्किन देखने के लिए ना मिले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक हमारा जो मिस्टर वेगर का पेट का स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफ़ी खतरनाक है, पिंक कलर का। और ये जो हमारा कीटी का स्किन है, पिछले बार के भी वैलेंटाइन डे के इवेंट पे आप लोगों को ये कीटी देखने के लिए मिला था। और इसका जो ये वाला स्किन बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिल रहा था, वो भी लॉगिन रिवॉर्ड पे। हाँ गाइज, आप लोगों को इस बार भी हमारे जो वेगर है ये भी फ्री में मिल सकता है, क्योंकि हमारा मॉर्निंग हिस्ट के इवेंट पे भी एक पेट का स्किन बिल्कुल फ्री में मिल रहा था, जो कि ये किटी वाला स्किन है। तो जितने भी हमारा पेट का स्किन इवेंट के बेस पर आए हैं, वो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी एक पेट का स्किन हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मिस्टर वेगर का है, और ये भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है, जैसे कि पिछले बार भी आप लोगों को मिला था। और ये वाला सर्वोर तो आप लोग देख ही चुके होंगे, ये 3 बार मॉडिफाई होके आ चुका है। और ये वाला जो है पिंक और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा हमारे वैलेंटाइन डे के इवेंट पे। और यहाँ पे ये जो ग्लोअल का स्किन है, ये ब्रांड न्यू ग्लोअल है, ये आप लोगों को पहली बार हमारे फ्री फायर पे देखने के लिए मिलेगा। जो कि ये ग्लोअल का स्किन है, ये आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है हमारे वेब इवेंट पे, क्योंकि गाइस इवेंट के बेस पे जितने भी ग्लोअल आए हैं, वो वेब इवेंट पे आप लोगों को देखने के लिए मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे बैकपैक एक देखने के लिए मिल रहा है, जो कि ये पहले से भी आप लोग देख चुके होंगे, जो कि ब्लैक कलर का था, लेकिन वैलेंटाइन डे के इवेंट पे आप लोगों को पिंक कलर का देखने के लिए मिल जाएगा। तो और एक आप लोगों को जो स्किन देखने के लिए मिलेगा, ये है कटाना का स्किन है। और ये आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा आप लोग गैस कर सकते हो, ये आप लोगों को मिलने वाला है टॉप अप इवेंट पे, क्योंकि गाइस जितने भी कटाना का स्किन आए हैं, ज्यादातर हम लोगों को टॉप अप इवेंट पे देखने के लिए मिलता है। तो इस बार भी ये जो कटाना है, हमारे वैलेंटाइन डे के दिन टॉप अप इवेंट पे देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये जो कटाना के ऊपर हार्ट भी बने हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हो, और पिंक कलर का भी है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो कटाना है हमारे वैलेंटाइन के बेस पे ही बनाए गए हैं, और ये आप लोगों को उसी टाइम पे टॉप अप इवेंट पे देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को 2-3 बंडल भी देखने के मिलेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मेल कैरेक्टर का बंडल है, और ये काफी खतरनाक है। और यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और इसके चेस्ट से जो डायमंड टाइप का कुछ है, और यहाँ से भी एनिमेशन वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, जो कि ब्लू कलर का है, और सितारे टाइप के ये बंडल से कुछ निकल के आ रहे हैं, जो कि बूंद बूंद होके। और ये जो जिस किसी ने भी डिजाइन किया है ना गाइज, उसको साथ साथ दंडवत प्रणाम। गाइज कितना कतई जहर वाला यहाँ पे एनिमेशन वगैरह भी देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो बंडल की बात करें, तो ओपी लेवल वाला बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा हमारे वैलेंटाइन डे के इवेंट पे। और इसका जो फीमेल कैरेक्टर का बंडल है, इसमें भी एनिमेशन वगैरह भी कतई खतरनाक है, और ये सेम ही है, लेकिन इसका जो हेयर है ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। और ये बंडल में से आप लोगों को कौन सा बंडल अच्छा लगा, फीमेल कैरेक्टर का या मेल कैरेक्टर का, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो बंडल की बात करें, तो ऐसा वाला जो लेडी कैरेक्टर का बंडल, सबसे ज़्यादा ओपी मुझे ये बंडल लगा। इतना भी बंडल आया है वो मुझे खास लगा नहीं, लेकिन ये आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा हमारे वैलेंटाइन डे के इवेंट पे। और ये आप लोगों को हमारे वेब इवेंट पे देखने के लिए मिल सकता है, नहीं तो सफल इवेंट पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गाइज इतना जो भयंकर वाला बंडल है ना, ये आप लोगों को गरीना किसी वेब इवेंट पे देगा तो भी आप लोगों को ज़्यादातर डायमंड लगेंगे, ये आप लोगों को इतने सस्ते में तो नहीं देने वाला, ये लिख के लीजिए। तो गाइज हम बात करते हैं हमारे और एक दो बंडल के बारे में, जो कि ये हमारे पिछले बार के जो वैलेंटाइन डे के इवेंट पे देखने के लिए मिला था, जो कि ये कपल वाला बंडल है ये, और काफ़ी खतरनाक लग रहा था, जो कि उस टाइम आया था, मेरे पास तो है नहीं, और ये आप लोगों को फिर से देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइज इसके बदले में और दो बंडल देखने के लिए मिल रहा है, इसके मॉडिफाई किए गए हैं। ये बंडल आप लोगों को फिर कभी देखने के लिए मिलेगा रिटर्न में, वो गरीना ही बता सकता है। और ये बंडल की बात करें, तो गाइज इसको निकालने में काफ़ी सारे डायमंड लगते थे, लेकिन इस बार आप लोगों को कहाँ पे ये बंडल रिटर्न में देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसका जो बंडल आप लोगों को मॉडिफाई वाला देखने के लिए मिलेगा
हमारे इसी वैलेंटाइन डे के इवेंट पे। हाँ गाइज, आप लोगों को फिर से इसका जो कलर थोड़ा सा चेंज किया गया है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो दोनों बंडल है, सेम ही है, इतना ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन वो जो प्रिंसेस वाला जो फीमेल कैरेक्टर का बंडल है ना, उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन भाई लोग, पहला वाला जो जो कपल वाला बंडल था वो बात ही कुछ अलग है, और इस बार का जो ये दो बंडल है इसकी बात ही कुछ अलग है। क्योंकि गाइज ये इतना ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे, पहले वाला जो अगर रिटर्न में आता तो मैं इसको निकालने के लिए आता, लेकिन ये बंडल को निकालने के लिए मैं आगे नहीं जाऊँगा, पीछे ही हट जाऊँगा। क्योंकि गाइज ये जो बंडल है इतना खास लगा नहीं मुझे, क्योंकि गाइज पहला वाला जो बंडल है काफ़ी भयंकर है और ओपी लेवल वाला बंडल्स थे जो कि कपल बंडल है, और इस बार का जो फीमेल कैरेक्टर का इतना खास लगा नहीं मुझे पहले से। तो गाइज हम बात करते हैं हमारे टॉप ऑफ इवेंट के बारे में। जैसे कि टॉप ऑफ इवेंट पे तो मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों को कटाना का स्किन देखने के लिए मिलेगा, और भी आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। कटाना एक ही मिलेगा कि आप लोगों को टॉप ऑफ इवेंट पे नहीं गाइज, उसके साथ आप लोगों को और भी कुछ देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि प्रोपोज इमोट है, ये तो पिछली बार आप लोगों को टॉप ऑफ इवेंट पे देखने के लिए मिला था, तो इस बार शायद आप लोगों को ये टॉप ऑफ इवेंट पे देखने के लिए ना मिले। जैसे कि इसका आई हर्ट यू वाला जो इमोट था वो भी टॉप ऑफ इवेंट पे आप लोगों को देखने के लिए मिला था, तो इस बार दोनों टॉप ऑफ इवेंट पे आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो 90% आप लोगों को टॉप ऑफ इवेंट पे देखने के लिए मिल सकता है, 90% चांस है, जो कि एक मेल कैरेक्टर का बंडल है। ये एक ही बंडल निकल के आया है, ये कपल बंडल नहीं है। तो इससे बता दूं कि गाइज पिछले बार भी आप लोगों को फीमेल कैरेक्टर का एक बंडल टॉप ऑफ इवेंट पे देखने के लिए मिला था, इसलिए इस बार भी आप लोगों को ये जो बंडल है टॉप ऑफ इवेंट पे देखने के लिए मिल सकता है कटाना के साथ। तो बाकी रह गए जो कि हमारा जो दो चहिता वाला इमोट है, आई हर्ट यू वाला और एक फ्लावर ऑफ लव, ये दोनों इमोट हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन रह जाता है। तो मैं बता दूं कि गाइज ये जो दोनों इमोट है स्टोर पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ गाइज, आप लोगों को ये स्टोर पे देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि हमें देखने के लिए मिला था मोनेहिस्ट का इवेंट पे दोनों इमोट, ऐसे ही आप लोगों को ये दोनों इमोट स्टोर पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए भी आप लोगों को डायमंड लगेंगे, इसके लिए भी आप लोगों को 600 या 700 डायमंड लगेंगे, क्योंकि गाइज ये जो इमोट है काफ़ी रेयर हो चुका है और सारे बंदे इसको लेना चाहते हैं। जो कि दोनों इमोट का यहाँ पे लग सकता है 1200 या 1300 डायमंड, आई हर्ट यू वाला और ये फ्लावर ऑफ लव वाला इमोट। तो गाइज मैं बता दूं कि आप लोगों को ये जो दोनों इमोट लेना है तो आप लोग डायमंड बचा के रखिए, क्योंकि गाइज ये जो गवर्नमेंट सप्लाई वाला कुछ आइटम्स नहीं है, तो इसके लिए भी आप लोगों को काफ़ी सारे डायमंड लगेंगे। तो गाइज आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके राइट में होने वाले बेल आइकन को टैप करके ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और हाँ गाइज, मैं जितना भी आप लोगों को यहाँ पे बताया आइटम्स आप लोगों को कैसे मिलने वाले हैं और कौन सा आइटम्स आप लोगों को कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये 90% चांस है कि आप लोगों को वहीं पे ही, मैं जहाँ जहाँ बताया हूँ उसी जगह पे आप लोगों को उसी आइटम्स देखने के लिए मिलेंगे। सो गाइज फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।